अस्सलाम वालेकुम, मेन्यू में क्या है कि किचन में वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़ैया। खड़ैया ये हर जबान में कोई खड़ैया कहता है, कोई उल्टे पुल्टे कहता है, कोई खड़वे कहता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी खड़ैया। खड़ैया बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन लिया है, ये खड़ैयों का है सामान। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे पिसी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने डाल लिया गरम मसाला, 1 अदद हमने हरी मिर्च ली इसको चॉप कर लिया है, 1 चम्मच हमने इसमें लिया है कसूरी मेथी का और 1 चम्मच इसमें जाएगा भर के घी। ये हमारा खड़ैयों का सामान है। और इसका जो सालन हम बनाएंगे उसके लिए हमने 3 गड्डी प्याज लिए, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया कि इसका पेस्ट बनाएंगे हम। मेथी दाना लिया है 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने मिर्ची ली है, साबुत हल्दी का एक छोटा टुकड़ा लिया है, अगर आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 गड्डी हमने ली है हरा धनिया की, 1/2 प्याली हमने लिया है दही, 1 कप हम इसमें लेंगे कुकिंग ऑयल। तो हम सबसे पहले अपनी खड़ैयों की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाइयों के लिए हम कोई खुले उनका बर्तन ले लेंगे, कोई फैला हुआ थाली वगैरह जो होती है उस टाइप की हम इसमें ले लेंगे। इसको हम ग्रीस कर लेंगे लाइट सा, इसमें हम घी लगा के इसको हम इस तरीके से पूरी थाली को पहले हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम अपना कढ़ाइयों का केसर है उसको तैयार करेंगे। चारों तरफ से कर लेते हैं ताकि जब हम इसके ऊपर केसर रखेंगे तो ये इसके ऊपर चुपके। ये हमने इसको थाली को तैयार कर लिया, ठीक है, खड़ैयों को फैलाने के लिए, खड़ैया फैलाने के लिए। अब हम इसको एक साइड में कर देंगे, ठीक है। अब हम वॉक को हमने चूल्हा नहीं जलाया है, सबसे पहले हम इसमें बेसन डालेंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है, ठीक है, चूल्हा हमारा बंद है। हमने इसके अंदर वॉक के अंदर ये डाला है, बेसन डाल दिया है, इसके बाद नमक मिलाएंगे, इसे लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल दिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी आपके पास चॉइस है, अगर आपको पसंद ना हो कसूरी मेथी का टेस्ट तो आप उसको नहीं मिलाएं, आपको नहीं मिलाएं। इसमें मैं आपको बताना भूल गई थी, 1 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, ठीक है, डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, कर लिया। अब हमने 1.5 कप में जिस कप से नाप के हमने लिया था बेसन, अब उसी कप से नाप के हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। अच्छा, इसमें हमने चूल्हा हमने नहीं जलाया, अभी हम सिर्फ इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के डाल देंगे घी, ठीक है, इसमें हमने घी डाल दिया। अब 1 कप भर के पानी हम और डालेंगे, 1 कप पानी डाल के हमने इसको फेटा था, ये बन रही थी, हम इसको इस तरीके से कर लेंगे और इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे, ठीक है। अभी हमने को चूल्हा नहीं जलाया है, हमने जब तक चूल्हा नहीं जलाएंगे जब तक ये बेसन की जितनी भी ये गुठलियाँ हैं भुटियाँ हैं सब इसको इस तरीके से मसल डाल देंगे। मसालों के साथ पानी डाल के 2 कप अच्छे से इसको हमने फूट लिया। अब हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे, फिर चूल्हे पे पकाएंगे इसको, मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। उस वक्त हम इसको ऐसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छा सा थिक सा नहीं बन जाता। इसको
इसको चलाते रहेंगे मुसलसल, इसको हमें छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, बैठना शुरू हो जाएगा मसाला, इसलिए जब तक ये पकना शुरू नहीं होगा हम इसको इसी तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। नमक मिर्ची ख्याल से रखेंगे डालिएगा, क्योंकि हमने मसाले में जो बनाया है मसाले के अंदर भी जाएगा, नमक भी जाएगा, मिर्ची भी जाएंगी, तो इसीलिए हम इसके अंदर इस तरीके से रखिएगा अंदाजे से ख्याल से कि तेज़ ना हो जाए। हमें थोड़ा तेज हाथ चलाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम चलाते जाएंगे, खिलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से पकना शुरू हो गया। करते जाएंगे ये सब चारों तरफ से निमट जाएगा और ये सब चमचे में निपट जाएगा। अच्छे से हो रहा है, अब ये लिपटना शुरू हो गया। ये इसी तरीके से होता रहते हैं, पूरा पैन को छोड़ देगा, ठीक है। वॉक से बिल्कुल अलग हो जाएगा इसी तरीके से, इसने वॉक को छोड़ना शुरू कर दिया। होता जा रहा है चारों तरफ से, वॉक से दूर होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा साइड में रहेंगे, हो जाएगा इसी तरीके से सब चीज पे पड़ जाएगा। इस तरीके से गुठली स्टेप का हो गया, तैयार हो गया। बस ये हल्का हल्का सा जो साइडों में रहेंगे ये भी इस तरीके से सब लिपट गया। इसको हम ऐसे करके अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, फिंगर शेप स्टाइल में कर लेंगे, चकोर में, जैसे आपको छोटी मोटी या ये पतली जिस तरीके से भी आपको शेप देना है आपको शेप दे सकते हैं। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। वॉक के अंदर अपना कुकिंग ऑयल गर्म कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर वॉक में कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छा सा हम गर्म होने देंगे। जब तक हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होता है हमने जो मसाला था हमने पेस्ट बनाना था मिर्चों प्याज का और क्या नाम है तमाम ड्राई मसालों का, उसका हम पेस्ट बना लेते हैं जब तक हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। मिक्सर में हम प्याज डालेंगे, तीन गड्ढी जो हमने मोटी मोटी प्याज काटी थी और प्याज ले लेंगे हम पूरी, और मिर्चे, हल्दी, नमक, हमने साबुत हल्दी ली है, अगर आपको साबुत ना हो तो आप पाउडर में ले सकते हैं। इन तीन चारों मसालों को हमें डाल के और आधा कप पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना भून के बहुत सारे फायदे हैं, सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसको नहा लो खाएंगे आप
रात को एक कप जब धो के रख देते हैं, सुबह करना पानी पीते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आता है, शुगर भी कंट्रोल में आता है। मेथी दाना बहुत फायदेमंद चीज़ है। आप मेथी दाना डालने के बाद अब आप इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेथी दाना और अदरक लहसुन हमारा पक गया है, अब हम इसके अंदर जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसको हम अच्छे से घोल देंगे। इन्हें तकरीबन आधा कप शुगर मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको हिला के डाल देंगे। मसाले का पानी है हमारा, इसको हम घोल लेंगे। मसाले को हम अच्छा सा भूनेंगे। मसाला हमारा तब भुनेगा नहीं जब तक हम इसमें दही नहीं डालेंगे। पहले हम मसाले को अच्छे से भुनने देंगे, ठीक है। इसको मीडियम आंच पे मसाला भूनिएगा। बहुत तेज आंच पे मसाला भूनते तो मसाला जल जाता है, काला काला सा हो जाता है। इसलिए हल्की चूल्हे पे जो मीडियम आंच पे जो है मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। भुनकर उसका खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है उसका। अपना मसाले को भुनने के लिए रख दिया है, ठीक है। मसाला ये भुन रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं, हम इसको कवर करके रख देंगे तो हमारा मसाला जल्दी से भुन जाता है। जब तक हमारा ये मसाला भुनता है हम इसे कटिंग कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ खड़ाइयों की कैसे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मसाला भुन रहे हैं, हम खड़ाइयों की कटिंग कर लेते हैं। सही, हम इसके इस तरीके से पीस कर लेंगे, ठीक है। चारों तरफ से अगर आप चाहें तो ये किनारे काट के निकाल भी सकते हैं। ये तो इतने मोटे के हैं कि अगर इसको अगर आप ऐसे ही अगर उनका खाएंगे तो बच्चे तो बस खा लेंगे, फिर आपको अपनी हड्डियाँ के लिए कम पड़ जाएंगे। इतने मजे के बन गए हैं ये। इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चाहें तो पूरा इसी तरह के से डाल लें, या चाहें तो आप इस तरीके से इसमें से यहाँ चार पीस कर लें, या आप इस तरह से फिंगर शेप में इसको काट लें। देखिए ऐसे काट लेंगे हम, इसी तरह से अपनी तमाम खड़ियों की हम कटिंग कर लेंगे। मैं इसको फिंगर शेप में काट रही हूँ, फिंगर शेप में बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। आपको जैसा शेप पसंद हो उस शेप में भी काट सकते हैं इसको आप। इससे मोटे अगर आप काटना चाहते हैं तो इससे मोटे भी काट सकते हैं आप। इसका शेप आपकी मर्जी का है, आप जिस तरह का, लेकिन आराम से काटिएगा कि अपनी उंगलियां ना काट लें आप, ठीक है। थोड़ा एहतियात से पतला करना चाहते हैं तो साइड से भी पतला कर लें। मसाला हमारा भुने पे आ गया है, ठीक है। मसाले में बबल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा भेजिए कि मसाले से बिल्कुल तेज होना शुरू कर। अब इस वक्त हम इसमें दही डाल देंगे। दही डाल के अब इसको हम, ठीक है, अभी हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे अब इसको, जब हमें शोरबा डालना होगा जब ही पानी डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक पूरा सा अच्छे से तेल हमारा ऊपर नहीं आ जाता मसाले का। इसको ऐसे ही दही डाल के तैयार हो गया। मसाला भुनने के निशानी के देखिए मसाला दाने दाने दार सा हो रहा है, ये कि सारा मसाला भुन चुका है। तेल को छोड़ दिया है, देखिए साइडों से तेल आना शुरू हो गया है। इसको तकरीबन अभी हम 5 मिनट और थोड़ा सा दम पे रखेंगे, यानी कि कवर करके रखेंगे, ठीक है। हल्की आँच पे हम मसाले को भून रहे हैं। मसाले का देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका, ये दाने दाने दार सा मसाला है हमारा। इसको भी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए और कवर करके रखेंगे, फिर हम इसमें
बढ़ा देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर शोरबा डालेंगे। हमें अब जितना भी शोरबा रखना होगा, मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा आपको जितना भी शोरबा रखना है इसमें, ठीक है। और इसमें जैसे ही हल्के हल्के से बबल्स आने लग जाएंगे, हल्का सा पकाएंगे। तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें पहले हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे, और उसके बाद हमने जो कढ़ाइयों को शेप दिया था इस तरीके से हमने काट के रखा था, बहुत ही आराम से एहतियात से हम इसको मसाले में मिक्स करेंगे, ठीक है। ये वाली डिश इस तरीके से मिक्स करेंगे, चम्मच नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। हमारी कढ़ाइयाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे, ठीक है। इसको अभी हम कवर भी नहीं करेंगे, ये भाप से कढ़ाइयाँ जो है ना बिल्कुल से टूट जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसको ऐसे कवर नहीं करेंगे। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं अपनी। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।